हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम मैथ का एक वीडियो लेके आए हैं। और ये वीडियो क्या है, दिख रहा होगा आपको कि जो ग्रुप टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हैं, और इससे कम से कम तीन और ज़्यादा से ज़्यादा पांच क्वेश्चन भी आते हैं। हालांकि SSC और रेलवे में तीन ही क्वेश्चन आते हैं इससे। और जब आप बैंक के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पे इसी क्वेश्चन पे पांच क्वेश्चन, मतलब इसी स्टेटमेंट पे आपको पांच क्वेश्चन दिखेंगे वहाँ पे। तो ये क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम आपको बताएंगे अभी। और यदि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप अगले 10 या 15 मिनट में पूरा जान जाएंगे। देखिए, यहाँ पे बात किया गया है कि 60 स्टूडेंट के समूह में से 25 क्रिकेट खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, 10 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं, और 12 जो है वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते हैं, और 5 ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। तीनों खेल खेलने का मतलब यह कह रहा है आपसे, वो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और वॉलीबॉल भी खेलते हैं। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल पर क्वेश्चन आए। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कुछ लोग हैं जो अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है और कोई हिंदुस्तान पढ़ता है और कोई दैनिक भास्कर पढ़ता है। इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलग अलग न्यूज़पेपर कोई लोग, इतने लोग ये पढ़ते हैं, तो बताइए कितने लोग कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, या ऐसे कितने हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप समझ लें कैसे होगा। देखिए, इसको करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। सबसे पहला काम कि यदि बात किया जा रहा है तीन खेल के बारे में, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल, तो हम तीनों खेल के लिए एक सर्कल बना लिए हैं। जैसे एक ये सर्कल हमारा क्रिकेट के लिए है, ये फुटबॉल के लिए है और ये हमारा वॉलीबॉल के लिए है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 25 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो देखिए क्रिकेट के सामने हमने लिख दिया 25 जो स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, और 5 ऐसे हैं जो क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल तीनों खेलते हैं। देखिए, ये वाला सर्कल भी इसके अंदर आ जा रहा है 5 के, ये वाला भी आ जा रहा है और ये वाला सर्कल, मतलब ये 5 जो है वो तीनों में आ रहा है, मतलब वो क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल भी खेल रहा है। अब आगे क्या होता है कि आपसे बोला गया है कि 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं यानी दोनों खेलते हैं, यह समझिए। तो क्रिकेट और फुटबॉल वाला सर्कल कहाँ है, ये वाला क्रिकेट और ये वाला फुटबॉल का, तो कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। और यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कैसे हो जाता है समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ न लिख करके हम यहाँ 10 लिख दिए कि 10 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो हमसे गड़बड़ यह हो जाएगा कि जब हम इस सर्कल के बारे में सोचेंगे कि यह सर्कल ऐसे ऐसे यहाँ तक आया तो, और यह सर्कल इस तरह से यहाँ आया, तो हम देखेंगे 10 और 5 15 हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट बोला गया है क्वेश्चन में उसका हम वायोलेशन कर रहे हैं यानी उसका उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम 15 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, यह हम लिख लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे 10 न लिख करके हम यहाँ पे बता दिए हैं कि यहाँ पे 10 जो ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। और यहाँ पे 10 क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसका रीज़न आप अभी समझें। यहाँ पे जो है जो तीनों गेम खेल रहे हैं यानी 5 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल तीनों खेल रहे हैं, तो ये 5 में से, ये जो 5 है, ये जो दिया गया है 10, उसमें से इस 5 को माइनस करना पड़ेगा। और जब माइनस कर देंगे हम तो 10 में से 5 निकाल देंगे इसको, तो कहीं ना कहीं ये 5 हो जाएगा। और जब हम इस 5 को यहाँ लिख देंगे तो अब हमारे स्टेटमेंट को ये फॉलो कर रहा है। देखिए कैसे फॉलो कर रहा है, फॉलो कैसे कर रहा है आप देख लें। अब यदि हमसे स्टेटमेंट में बोला गया है कि 10 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, तो जब हम इस सर्कल में जाएंगे तो देखेंगे 5 और 5 10, तो 10 ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। अब देखिए सही है। और आगे हमसे बोला गया है कि 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं, 9 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो देखिए हम क्रिकेट का सर्कल ये वाला है और वॉलीबॉल का सर्कल ये वाला है, यानी कितने लोग हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट 9 नहीं लिख सकते हैं, और यदि हम यहाँ पे 9 लिख देंगे तो सेम ये वाला सिचुएशन आ जाएगी हमारे साथ, मतलब 9 और 5 जब हम जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 14 हो जाएगा, और जब 14 हो जाएगा तो हम क्वेश्चन को गलत कर देंगे, यानी हम जो क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है उसका हम उल्टा करने लगेंगे। इसलिए जो 9 में से आप 5 को निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं 4 आ जाएगा, तो 4 और 5 और 4 को जब आप ऐड करेंगे, अब देखेंगे कि क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों
नौ लोग खेल रहे हैं, पांचवे और चारे। इसी तरह से एक और है, देखिए 12 लोग जो है वो वॉलीबॉल और फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 12 बार फुटबॉल ही हो गया, वॉलीबॉल ही हो गया, तो 12 लोग ऐसे हैं जो वॉलीबॉल फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 12 में से 5 को निकाल लेंगे तो कहीं ना कहीं 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, 7 और 5 12, यानी 12 लोग देखिए इस सर्कल में और इस सर्कल में दोनों को कवर कर रहे हैं कितने, 12। तो 12 ऐसे लोग हैं जो वॉलीबॉल और फुटबॉल और वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ठीक ना। अब इतना आप समझ गए हैं, इसमें अब थोड़ा सा और है, बस एक मिनट में बाकी फिगर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए बात क्या है कि अब हम कभी कभी क्वेश्चन में आपसे यह बोलता है, क्वेश्चन में बोलता क्या है यही पूछा ही गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, इस पर पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो केवल क्रिकेट, केवल फुटबॉल, केवल वॉलीबॉल, इनकी संख्या हम जानेंगे। तो देखिए केवल क्रिकेट निकालने के लिए क्या है कि जो 5 है ये तो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं, और ये जो 5 है तो तीनों खेल रहे हैं उनकी संख्या है, और ये जो 4 है यानी क्रिकेट वॉलीबॉल की संख्या 4 है। तो ये जो हमको 25 पहले दिया गया है उसमें से इनके पोर्शन को घटा देंगे तो हमको केवल क्रिकेट वाला मिल जाएगा। यानी समझिए जैसे 25 लोग बोला गया था आपसे क्रिकेट खेलते हैं, तो 25 में से 5 ऐसे हैं जो क्रिकेट, 5 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं, और ये वाला 5 ऐसे हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल तीनों। और जो यहाँ पे क्रिकेट और वॉलीबॉल है वो कितने लोग खेल रहे हैं, 5 और 4 9 लोग। तो इन सभी को हम इनसे हटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कहने का मतलब हटा देंगे। तो देखिए 5 और 5 10 और ये 4 14, तो 25 में से जब हम 14 निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं हमको 11 मिलेगा, और यही जो 11 है वो केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या हो जाएगी, यानी केवल क्रिकेट की संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे, केवल क्रिकेट, केवल क्रिकेट, यानी केवल क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी चीज़ वो नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल और वॉलीबॉल से उनको लेना देना नहीं है, केवल क्रिकेट के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो उनकी संख्या 11 हो गई है। इसी प्रकार यहाँ भी आप निकाल लेंगे, यहाँ कैसे निकालेंगे देखें, पहले काम किया है 5 और 5 10 और 7 17, यानी जो 30 फुटबॉल खेल रहे थे, तो 30 फुटबॉल खेल रहे थे तो उनमें से आप 17 को माइनस कर देंगे, यानी ये जो कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन, यानी ये दोनों को खेल रहे हैं 7 और इन दोनों को खेल रहे हैं 5 और ये तीनों खेल रहे हैं 5, तो इन सभी को हम जब हटा देंगे यानी 17 को माइनस कर देंगे 30 में से, तो आपका 13 आ जाएगा। और जो ये 13 हैं वो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम 13, ये केवल क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। तो केवल फुटबॉल यदि आपसे पूछा जाए तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 17, यानी 17 केवल फुटबॉल बोला जाए तो उनकी संख्या 13 हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ भी कर देना है, यदि आपसे पूछ दें कि केवल वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए 5 4 9 9 और 7 16, यानी जो 24 टोटल वॉलीबॉल खेल रहे हैं उस 24 में से 5 4 9 और 16 आप निकाल देंगे, तो 16 निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं 8 आएगा, तो केवल 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, केवल 8 स्टूडेंट। केवल वॉलीबॉल की बात किया जाएगा तो कितने स्टूडेंट हैं, 8 स्टूडेंट हैं। तो इतना आपने सीख गया, इसी के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है, और आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि कितने स्टूडेंट केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने स्टूडेंट केवल क्रिकेट खेलते हैं ये आपको हमने निकाल के बताया, तो यहाँ पे लिख भी दिया फिगर में कि 11 ऐसे लोग हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, और ये 4 ऑप्शन थे आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 11 ऐसे लोग हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना था क्वेश्चन। इसमें और क्वेश्चन 2 हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या आया था। पहला क्वेश्चन यही था जो आपको दिखाया कि केवल क्रिकेट वाले की संख्या पूछा था, और आगे क्या है ये देख लें। देखिए दूसरा क्वेश्चन यही है, दूसरा क्वेश्चन इसमें से आपका ये है, पहला क्वेश्चन केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं वो पूछा गया था, और दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है, देखिए दिख रहा होगा कितने स्टूडेंट इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, यानी आपसे यह पूछा है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो न तो वॉलीबॉल खेलते हैं, ना ही क्रिकेट खेलते हैं और ना ही
फुटबॉल खेलते हैं, तो देखिए इनकी संख्या कैसे हम निकालेंगे। इनकी संख्या हम ऐसा निकालेंगे, देखिए क्या है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक हमने बनाया है कि टोटल स्टूडेंट एक साइड में हम लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट बराबर क्रिकेट खेलने वालों की संख्या आप लिख देंगे, क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल प्लस, मतलब टोटल में आपका आ जाएगा जो क्रिकेट खेलते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं और जो वॉलीबॉल खेलते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं खेलते हैं, कुछ भी नहीं खेलते हैं, कुछ भी नहीं खेलते हैं, ये वाले आ जाएंगे। तो इन्हीं की संख्या हमको निकालनी है जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो देखिए टोटल आपको दिया था, टोटल 60 दिया था, तो 60 के बराबर आप रख देंगे। 60 के बराबर क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, देखिए क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है ये आप जानते हैं। तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो केवल क्रिकेट की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे 11 है, तो 11 ये आपका हो गया। केवल फुटबॉल का बोला जाएगा तो आपको 13 दिख रहा होगा, और यदि केवल वॉलीबॉल बोला जाएगा तो उसकी संख्या 8 है। और जो दोनों खेल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, यानी क्रिकेट और फुटबॉल जो दोनों खेल रहे हैं उनकी संख्या आपकी आपको दी गई है 10 दी गई है। और जो ये दोनों खेल रहे हैं, यानी समझिए आपका फुटबॉल और वॉलीबॉल जो खेल रहे हैं उनकी संख्या कितनी दी गई है, 12 दी गई है। और जो क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 9 है। और जो कोई नहीं खेल रहा है उसकी संख्या हम एक्स मान ले रहे हैं, यानी एक्स ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, और इन्हीं की संख्या हमको बतानी है जो कुछ नहीं। देखिए यह है, यहाँ पे टोटल 60 स्टूडेंट हैं, तो 11 ऐसे हैं, 11 ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेल रहे हैं उनकी संख्या हम लिख दिया, यानी क्रिकेट खेलने वालों की संख्या। और 13 ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, और 8 ऐसे लोग हैं जो वॉलीबॉल केवल वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और 5 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल, 5 ऐसे हैं ये वाला, हाँ 5 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए ये वाला हम 5 लिखे हैं, यानी क्रिकेट फुटबॉल की बात किया जाए तो वैसे तो 10 खेल रहे हैं, लेकिन इसको यदि हम ऐड ना करें, इसको ऐड ना करें उसके हिसाब से 10 हो जाएगा। लेकिन जब इसे हम भी ऐड करते हैं, यानी तीनों खेलने वालों की संख्या भी यहाँ पे हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो गया है फुटबॉल वॉलीबॉल और क्रिकेट वॉलीबॉल, तो उसकी संख्या 4 हो गई है। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 53 आ जाएगा, और प्लस एक्स आ जाएगा। एक्स वह संख्या है जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, और इसके इधर 60 है, तो एक्स बराबर आपका 7 आ जाएगा। और यही साथ आपके वह स्टूडेंट हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, यानी समझिए क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल तीनों में से कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, 7। और जब आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन 7 दिखेगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था आपको, हमने बता दिया। एक क्वेश्चन इसमें और रह गया है, उसे देख लेते हैं, वह क्वेश्चन क्या है, और वह क्वेश्चन क्या है अभी लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा उसे भी। देखिए यह तीसरा क्वेश्चन है, और इसमें बोला क्या गया है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको हमने करा दिया। यह तीसरा क्वेश्चन है और इसमें बोला क्या आ रहा है, क्या ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन, कि कितने स्टूडेंट केवल दो खेल खेलते हैं, यानी केवल दो खेल खेलते हैं, इसका मतलब वह क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे हैं, या आपका क्रिकेट वॉलीबॉल खेल रहे हैं, यानी तीनों खेल नहीं खेल रहे हैं, केवल दो खेल रहे हैं, उनकी संख्या आपसे पूछी है। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे आपका 5 जो है, 5 ये वाला 5 नंबर ऐसा है जो केवल फुटबॉल और क्या खेल रहा है, केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहा है, उसकी संख्या 5 है, तो 5 हो जाएगा। इसके बाद ये जो 7 है, यह उस विद्यार्थी की संख्या है जो केवल फुटबॉल और वॉलीबॉल खेल रही है, यानी 7 जो वह विद्यार्थी है जो केवल फुटबॉल और वॉलीबॉल खेल रहे हैं उनकी संख्या 7 है। और जो ये 4 हैं, 4 वह विद्यार्थी हैं जो केवल वॉलीबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, केवल वॉलीबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी संख्या 4 है। ये वाला 5 आप नहीं लेंगे, ये वाला 5 न लेने का सबसे बड़ा कारण है कि वह 5 जो है वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल तीनों खेल रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, 5। अब इनको हम जोड़ देते हैं, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, देखिए सीधा जोड़ दीजिए, 5 4 9,
9 और 7 आप देखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल दो गेम खेल रहे हैं, केवल दो, यानी केवल एक भी नहीं खेल रहे हो, केवल दो की संख्या पूछा है आपसे, तो उसकी विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 16। ऑप्शन नंबर डी में है आपका ये आंसर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हर सेट में आता है, यानी समझिए जितने भी सेट में एग्जाम होंगे हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल फुटबॉल और क्रिकेट और वॉलीबॉल से क्वेश्चन पूछे, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। ये भी बोल सकता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यानी अलग अलग देश का नाम भी बोल सकता है और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना सकता है। जैसे बोल देगा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान अपने अपने जो अलग अलग देश हैं जो अपने रक्षा बजट में इतना इतना इन्वेस्ट करते हैं, यानी कुछ भी क्वेश्चन बोल सकता है एक तरफ से। और जो दोनों मिलके इतना इन्वेस्ट करते हैं, यानी इंडिया पाकिस्तान इतना मिलकर करते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इतना मिलके इन्वेस्ट करते हैं, और तीनों मिल करके इतना बिलियन इन्वेस्ट करते हैं रक्षा पे, इस टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप टेंशन ना लें किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही है। इसमें 4-5 टाइप का क्वेश्चन ही बनते हैं। आपसे पूछ लेगा कि ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बताइए जो पूरे गेम खेलते हैं। यदि पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि पूरे कितने लोग खेलते हैं तो ये पूछ सकता है, और यदि दिया है कि तीनों गेम या चारों गेम इतने लोग खेलते हैं तो उसमें ये पूछ लेगा कि चारों गेम नहीं खेलने वालों की संख्या कितनी है, दो गेम खेलने वालों की संख्या कितनी है, केवल एक गेम खेलने वालों की संख्या कितनी है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हमने कोशिश किया है पूरा समझाने की। आप एक आध बार और वीडियो देखिएगा, यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो हमने वैसे पूरा चीज़ बताने की कोशिश की है। तो यही क्वेश्चन था, और इससे 3 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आपको 1 मिनट, 1.25 मिनट, यदि आप 1.5 मिनट भी समझिए इस क्वेश्चन में दे दिए तो आपको 3 नंबर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यही वीडियो था, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, पुराने लोग किए होंगे। चलिए कोई और वीडियो लाएंगे। जो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।